Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. And the fun thing is that this show will also come in Hindi. Mein bhi aayega. Hello and welcome guys to the Current Affairs show based on the Hindu or welcome back to the studio version of this the Hindu Current Affairs show. तो चलिए शुरू करते हैं, देरी किस बात की है, और ले चलते हैं आपको हमारे फर्स्ट इमेज पर. इसका PDF ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है आप सबको. वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक. वहाँ पर इसका PDF ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है. सो टू एनी वन हु इज़ विशिंग टू हैव अ PDF दिस पर्टिकुलर शो, उसका PDF ऑलरेडी आप को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी आज का पहला मोटिवेशनल कोट, जो कि ये रहा अब आपके सामने. डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस. अगर आपकी लाइफ कष्टकारी है, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उस लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, या उसका जो एक डेस्टिनेशन होगा, जो उसका जो एक एंड होगा, जो एक अंत होगा, वो एक बहुत ही खूबसूरत अंत होने वाला है. सो डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस, ये हमारा आज का कोटेशन है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी आज की फर्स्ट हेडलाइन, जो कि ये रही आपके सामने. वेल व्हेन ही वाज द गवर्नर ही वाज माय फेवरेट. ये मेरे सबसे फेवरेट RBI गवर्नर अब तक के थे, एंड आप इनका नाम जान गए होंगे. इनका नाम है रघुराम गोविंद राजन. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI, स्मॉल लोन्स कुड टर्न बैड. यहाँ पर एक जो उन्होंने एक उन्होंने फ्रेज यूज़ किया, दैट इज़ टर्न बैड, का मतलब है कि वो NPA बन जाएंगे. NPA का मतलब आप में से कई लोगों को पता होगा, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. तो जितने भी स्मॉल लोन्स हैं, उनको उनका मानना है कि वो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक बैंक को करने वाले हैं, बिकॉज दोज लोन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू NPA. अब यहाँ पर सवाल बनेगा कि सर ये स्मॉल लोन्स हैं, ये कौन से स्मॉल लोन्स की बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से आपके स्मॉल या पेटी लोन्स हैं ऑफ फॉर विच ही इज़ हाईलाइटिंग दी फैक्ट. वेल देर आर टू टाइप्स ऑफ लोन जो कि इंपॉर्टेंट हैं. पहला लोन है आपका द मुद्रा लोन, which is offered to scheduled castes, scheduled tribes, to MSMEs, and the second one is the Kisan Credit Card loans. ये जो दो loans हैं, ये आगे चलकर दिक्कत करने वाले हैं, according to रघुराम राजन. Now guys, he had suggested these, he had his view, and इन्होंने वो ये सारे view इन्होंने दिए when he submitted a paper on the request of मुरली मनोहर जोशी, who is the chairman of the Parliament's Estimates Committee. तो जो मिस्टर मुरली मनोहर जोशी हैं, जो कि BJP के बहुत ही कद्दावर नेता भी हैं, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ BJP, तो वो चेयरमैन है पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी की. तो एज़ पर हिज रिक्वेस्ट ही हैज़ सजेस्टेड कि ऐसा हो सकता है कि जो स्मॉल लोन्स हैं वो आगे चलकर NPA बन जाए, स्पेसिफिकली द मुद्रा लोन एंड द क्रेडिट कार्ड लोन. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइज. सो गाइज, द टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स टू बी नोटेड हियर आर मुद्रा का फुल फॉर्म पहले याद कर लीजिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, दैट इज़ द मुद्रा, विच इज़ बेसिकली अ बैंक विच वॉज अर्लियर फॉर्म्ड अंडर SIDBI एंड आगे चलकर अपना ही काम करेगा. एंड सेकेंड जो है वो है किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स, जिसमें किसानों को एक राशि तक लोन मिल सकता है वाया दी किसान क्रेडिट कार्ड. अब आइए दिखाते हैं पहले तो आपको इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉट, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन, लोन्स गिवन टू द अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस कॉल्ड मुद्रा लोन्स एंड क्रेडिट एक्सटेंडेड थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड कैन लीड टू बैड लोन्स और NPA. मुद्रा लोन्स आर ऑफर्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना और PMMY लॉन्च इन 2015 बाय द NDA गवर्नमेंट. इसका हिंदी भी देख लेते हैं, ये राज का हिंदी. पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार असंगठित सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को दिए गए ऋण, जिन्हें मुद्रा ऋण कहा जाता है, और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विस्तारित क्रेडिट खराब ऋण या NPA बनने के कगार पर है. NDA सरकार द्वारा इस लोन को 2015 में शुरू किया गया था. नाउ गाइस, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि वाई हैज़ दिस पर्टिकुलर लोन अकर, जो देखिए लिखा भी हुआ है, ओवर ऑप्टिमिज्म ऑफ प्रमोटर्स और बैंक्स. कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त थे
कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे बैंक्स के बैंकर्स या बैंक्स स्पेसिफिकली, और उन्होंने बड़ी मात्रा में लोन दिया और आगे चलकर यही लोन जो आपका होगा वो NPA बनने की कगार पर होने वाला है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं रघुराम गोविंद राजन हु इज़ दी फॉर्मर RBI गवर्नर। अब यहाँ पर वापस स्क्रीन पर आते, एक सवाल यहाँ पर बनेगा कि सर मुद्रा बैंक क्या है, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए दिखाते हैं आपको हम मुद्रा बैंक के बारे में। ये रही आपके सामने द मुद्रा स्कीम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम इज़ बेसिकली टू लॉन्च अ बैंक जिसका नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। इसका मकसद होगा ऐसे व्यवसायी, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, टू शेड्यूल ट्राइब्स, टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको और साथ ही साथ MSME सेक्टर में उनको ये लोन्स प्रोवाइड करेंगे। नाउ अंडर द मुद्रा स्कीम दे विल बी लोन्स प्रोवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, स्टार्टिंग फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ ₹50,000 टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹10,00,000। एक बार जरा वॉल्यूम को चेक कर लो, कई लोग कह रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज करने को। देखिए जो लोग मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं हमारा शो, प्लीज़ अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर लीजिए, बिकॉज अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कई बार जो हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनको इरीटेशन होता है ईयर्स में। तो एक बार वॉल्यूम को खुद सेट कर लीजिए, बाकी हम अपने एंड से भी सेट कर रहे हैं। देखिए इसका हिंदी भी दिया हुआ आपके सामने। MSME क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग उद्यमियों के लिए का समर्थन करने के लिए बनाया गया माइक्रो मुद्रा बैंक। और इसमें 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है शिशु, जहाँ पर लोन मिलेगा अप टू 50,000, किशोर लोन फ्रॉम 50,000 टू 5,00,000, एंड तरुण जहाँ पर लोन मिलेगा 5,00,000 से 10,00,000 के बीच। तो ये पूरा का पूरा जो आपका है वो है मुद्रा स्कीम। तो एक बार ज़रा क्लियर हो गया है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा यस सर वी हैव अंडरस्टूड। आशा रानी जी अपना वॉल्यूम पूरा फुल कर लिया है मोबाइल फ़ोन का, तो चलिए हम अपने एंड से चेक कर लेंगे। परेशान ना रहिए, मेरी तरह बत्तीसी दिखाते रहिए और लाइफ का मज़ा लेते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली सवाल पे। कुमार सत्यम जी का सवाल आ रहा है, सर मुद्रा में UD क्या होता है? देखिए दिया हुआ है आपके सामने, थोड़ा आँख कान खोल लीजिए। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जहाँ पर U मतलब होता है यूनिट्स और D मतलब होता है डेवलपमेंट। ऑल राइट, प्लीज़ सबके सब परेशान ना होइए, आराम से शो का आनंद उठाते रहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली हेडलाइन। व्हाई द अरावलीज नीड टू बी सेव्ड, आखिर क्यों अरावलीज को बचाना चाहिए। नगाई सुप्रीम कोर्ट ने आज के पेपर में मैंने पढ़ा लिखा है कि बहुत ही अत्याचार हुआ है, बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है मिलॉर्ड विद रिगार्ड्स टू अरावलीज, स्पेसिफिकली इन स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड ऑल्सो इन स्टेट्स ऑफ UP। अरावलीज को लेकर ज़रा भी रत्ती भर भी फोकस नहीं किया गया है, एंड अगर फोकस नहीं किया गया तो इन द कमिंग ईयर्स टू कम अरावलीज विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट, वो भूतकाल का एक नमूना रह के रह जाएगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया है दी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली कि वो इन एरियाज में कंस्ट्रक्शन को कम कर दे। तो आइए दिखाते हैं व्हाई इज़ दी अरावलीज इन न्यूज़। अरावलीज न्यूज़ में इसलिए हैं बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड डैमेज टू अरावलीज इज स्केरी, डरावना है जो कि एक डेवलपमेंट हुआ है, जो कि एक डैमेज हुआ है अरावलीज में, और इसको रोक देना चाहिए, ऐसा हरियाणा सरकार को कहा गया है। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। The Supreme Court on Tuesday ordered the demolition of the structures built illegally by a prominent builder in the protected forest of the Aravallis. All structures built after August 18, 1992 in the area known as the Kant Enclave at Anangpur in Faridabad district of Haryana should be demolished. Unka saaf taur pe kehna hai ki jo area ek hai Kant Enclave jo ki bana hai in Anangpur in Faridabad district, usko demolish kiya jaye agar uska construction August 18, 1992 के बाद बना है, नंबर वन। नंबर टू, अरावली रेंज इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 692 किलोमीटर्स, करीब 692 किलोमीटर्स आपकी चलती है, नॉर्थ दिल्ली से इसका स्टार्टिंग है, एंड फिर ये जो आपकी स्टेट्स राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इन स्टेट्स को भी कवर करती है। इस रेंज में जो रिवर्स आपकी हैं उनके नाम है बानस, लूनी, सखी और साबरमती। ये वहाँ की चार इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इसका हिंदी भी आपके सामने दे दी। देखिए मतलब अब आपके पास बहाना नहीं है ना पढ़ने का। टू ऑल द पीपल हु आर गुड इन इंग्लिश दे कैन रीड द इंग्लिश एडिशन, एंड टू ऑल दोज पीपल जिनका हिंदी अच्छा है वो हिंदी पढ़ सकते हैं। तो अब आपके पास कोई भी रीज़न नहीं है इस शो को ना देखने का,
ठीक है। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कभी कभी शो लेट शुरू होता है, तो उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं कि हम लगातार शो को जल्दी शुरू करें, एंड उसके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ आप सबकी बात, पर उसके अलावा कोई और रीज़न यहाँ पर नहीं है। तो इसका हिंदी ये रहा दोस्तों आपके सामने अरावलीज़ के बारे में। नाउ टू ऑल द पीपल हु क्लियर्ड RRB PO, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, एंड सेकंड सवाल एग्जाम में आता है अरावलीज़ के ऊपर। 2-3 साल पहले जब मैं बरेली में पढ़ाता था, 4 साल पहले व्हेन आई यूज टू टीच इन बरेली इन यूपी, देन अ क्वेश्चन हैड कम इन RRB PO अबाउट अरावली रेंजेस। तो ऑब्वियसली बात है स्टैटिक GK इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली RRB PO में। जिनका रेलवेज का एग्जाम है उसमें भी करेगा, SSC में भी करेगा, इन तीनों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ IBPS PO क्लर्क में ऐसा स्टैटिक नहीं आता, वहाँ पर थोड़ा और हाई लेवल का स्टैटिक आता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एंड दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही आपके सामने। सेंट्रल पैनल साइलेंट ऑन द रोल ऑफ मुलापेरियार। जो केंद्रीय एक समिति बनी है उसने मुलापेरियार, विच इज़ अ डैम विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ केरला, इट इज़ मैनेज्ड बाय तमिलनाडु, उसको लेकर जो एक सेंट्रल समिति है उसने कुछ नहीं कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल यहाँ पर बनेगा कि जो सेंट्रल पैनल है आखिरकार ये किस लिए बना। गाइज अ सेंट्रल पैनल हैज़ बीन सेटअप टू लुक इन टू द फ्लड सिचुएशंस इन केरला। केरला में आखिरकार फ्लड कैसे आया, एंड उसमें इन डैम्स का, चाहे वो मुलापेरियार हो, चाहे वो इडुकी हो, चाहे वो इदामलयार हो, इनका इफेक्ट क्या रहा उन फ्लड्स के ऊपर। तो उसके लिए ये पैनल आपका बनाया गया है। तो मैं आपके लिए फर्स्ट इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर इसका हिंदी भी अनुवाद करूँगा आपके लिए। द सेंट्रल वाटर कमीशन CWC in its report on the role of dams in the Kerala floods has omitted analysis of the operations of the Mullaperiyar dam, the contentious reservoir located in Kerala and operated by Tamil Nadu. इसका हिंदी क्या है? इसका हिंदी ये है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट में यह साफ तौर पर नहीं लिखा है कि क्या एनालिसिस था मुलापेरियार डैम का, जो कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल डैम है, जो है तो केरला में पर इसको रेगुलेट या ऑपरेट आपका तमिलनाडु करता है। They have given in-depth analysis of dams like Idukki, of dams like Idamalayar, पर उन्होंने मुलापेरियार के बारे में analysis नहीं दिया है। Now guys, यहाँ पर जो एक सवाल एग्जाम में बन सकता है, चाहे आप UPSC कर रहे हो, चाहे आप SSC कर रहे हो, CLAT कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, CDS कर, कोई एग्जाम कर रहे हो, सवाल पहला बनेगा अबाउट दिस इशू। ये सवाल एग्ज़ाम में RC में बन सकता है या फिर इंटरव्यू बन सकता है कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट द मुलापेरियार डैम। और अगर हम बैंक एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर सवाल बनेगा स्टैटिक GK का। स्टैटिक GK तो खैर UPSC में बनेगा और रेलवे में भी बनेगा, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये रहा अब आपके सामने। केंद्रीय जल आयोग ने मुलापेरियार बांध के संचालन के विश्लेषण को छोड़ दिया है। दे हैव क्लियरली ओमिटेड द एनालिसिस, और ये एक बड़ी खबर है। दे हैव गिवन एन एनालिसिस ऑफ द अदर डैम्स इन केरला, फॉर एग्जांपल द इडुकी एंड द इदामलयार डैम, जो कि उन्होंने एनालिसिस दिया है 15, 16 और 17 के बारे में, पर उन्होंने मुलापेरियार डैम के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ दिया भी हुआ है कि मुलापेरियार रिजर्वॉयर और डैम हैड नो रोल इन मैग्नीफाइंग द डिजास्टर। इनका कोई भी रोल नहीं था डिज़ास्टर को करने का, इसलिए इनका कोई भी मेंशन यहाँ पर किया नहीं गया है। अब गाइस एक सवाल एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि सर कौन कौन से वो डैम्स हैं जो कि हमें याद करने हैं, विच ऑल आर द डैम्स विच वी शुड कीप इन माइंड। तो मैं अभी आज बात करूँगा उन डैम्स के बारे में जो कि साउथ इंडिया के हैं। तो ये रहे डैम्स जो कि साउथ इंडिया के हैं दोस्तों, मेजर डैम्स इन साउथ इंडिया। द फर्स्ट बींग नागा अर्जुन सागर डैम इन तेलंगाना, देन श्रीसलम डैम इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का बहुत ही प्रचलित आपका डैम है। देन वी हैव द मेट्टूर डैम विच इज़ बेसिकली इन तमिलनाडु। देन वी हैव भवानी सागर डैम जो कि तमिलनाडु में है। अमरावती डैम, वैसे तो नाम तो आपका इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश बट इट इज़ इन तमिलनाडु। देन मलामपुज़ा डैम इन केरला, इदुकी डैम इन केरला, बनासुरा डैम इन केरला, सुपा डैम इन कर्नाटका, तुंगभद्रा डैम ऑन तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटका, कृष्ण राजा सागरा डैम इन कर्नाटका, एंड देन द लास्ट वन इज़ लिंगाना मक्की डैम, इट इज़ इन कर्नाटका। सो दीज आर द टॉप 12 डैम्स इन साउथ इंडिया, प्लीज़ इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है चलिए एक बार ज़रा कमेंट्स में लिख दीजिएगा यस सर वी अंडरस्टूड। कुमार सत्यम जी लिख रहे हैं पीस आउट टू यू बडी, पर बाकी लोग शो को देखते रहे लगातार। चलिए
आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही है आपके सामने। नीतीश कुमार फ्लैग्स ऑफ इंडिया नेपाल बस सर्विस, बिहारी बाबू बिहारी बिहारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बस सर्विस फ्लैग ऑफ की है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच है। ये सर्विस आपकी शुरू होगी बोधगया से काठमांडू और पटना से जनकपुर के बीच। तो ये चार जगह हैं जिनके बीच ये आपकी सर्विस चलेगी। देखिए इसके नाम यहाँ पर दिए भी हुए हैं, बिटवीन बोधगया एंड काठमांडू एंड ऑल्सो बिटवीन पटना एंड जनकपुर। तो ये बिहार की एक खबर है जहाँ पर नीतीश कुमार ने फ्लैग ऑफ किया है इंडिया नेपाल की बस सर्विस। नाउ गाइस, इसका जो हमारा स्टैटिक जीके है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए स्टैटिक हो या कोई भी चीज़ हो, अगर बैंकिंग एग्जाम होगा तो वो सारा कुछ मिलेगा आपको बैंकर्स अड्डा पे। सो द स्टैटिक जीके ऑफ बिहार इज़ मेंशनड ऑन बैंकर्स अड्डा। तो आइए ज़रा इस लिंक को ओपन कर दें हम और आपको दिखा दें कि क्या क्या चीज़ें आपको बिहार के बारे में पढ़नी है। नाउ गाइस, टिल द टाइम वी आर ओपनिंग दैट पर्टिकुलर लिंक, मैं फिर से आपसे रिपीट कर दूं, बिहार इज़ बेसिकली फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ इज़ फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ हेरिटेज एंशियंट हिस्ट्री। तो ऑब्वियसली बात है, सवाल यहाँ पर आपके होंगे। अंशुमान जी का सवाल है, सर फ्लैग ऑफ मतलब हरी झंडी दिखाई, उन्होंने झंडा दिखाया कि भैया अब चल के आगे चलो। तो देखिए यार दिखाते हैं आपको, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं नीतीश कुमार। एक बार जरा गवर्नर को क्रॉस कर दीजिएगा, ये पुराना डेटा है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो गवर्नर को क्रॉस कर दीजिएगा, गवर्नर तो अब चेंज हो गए हैं, तो गवर्नर को प्लीज़ क्रॉस कर लीजिएगा एंड डेप्टी चीफ मिनिस्टर को भी क्रॉस कर दीजिएगा। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर क्रॉस करनी पड़ेंगी, बिकॉज अब जो अलायंस है वो अलायंस बीजेपी का और जनता दल यूनाइटेड का हो गया। तो दो चीज़ें क्रॉस कर दीजिए, हाँ एक बार क्रॉस कर दीजिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और गवर्नर को, ये दो नए बने हैं। सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर जो हैं उनका नाम है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें सही हैं, आगे बढ़ते नीचे। नंबर डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आपके 38 हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स में गंगा, कोसी, बुर्गी, गंडक, महानंदा, पुनपुन, सोन, कमला हैं, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी बिहार की। नेशनल पार्क्स में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। देन फोक डांसेस में जुमरी डांस, होली डांस, सोहार, खिलौना, कजरी, जत जतिन। देखिए जत जतिन तो एग्ज़ाम में कई बार आया भी है, देखिए आंसर आ भी गया। लालजी टंडन जो हैं वो हमारे गवर्नर है बिहार के, हमारे मतलब मेरा ही प्रदेश भी है बिहार। नीचे आते हैं, फिर बात करते हैं टूरिज़्म की, पर्यटन की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है बुद्धिस्ट साइट, नीचे आ जाइए, बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, भागलपुर, विक्रमशिला, सुल्तानगंज, ये बुद्धिस्ट साइट्स हैं पर्यटन की। फिर जैन साइट्स में आपकी वैशाली है, पावापुरी है भागलपुर में, ये दो जैन साइट्स हैं। जैन साइट मतलब जो जैन धर्म के स्थल हैं। फिर सिख स्थलों की बात करें तो गुरुद्वारा पटना सिटी, विच इज़ दी बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, उनकी बर्थ प्लेस है पटना साहिब गुरुद्वारा जो है। फिर हिंदू धर्म के साइट्स की बात करें तो बहुत सारे साइट्स हैं, विष्णुपद टेम्पल है आपका गया में, देन वी हैव पाटन देवी, काफ़ी फेमस टेम्पल है, टू ऑल द पीपल हु बिलोंग टू बिहार, उनके लिए पाटन देवी मतलब बहुत ही एक पावन स्थल है। महावीर टेम्पल है पटना सन टेम्पल देव में औरंगाबाद के पास, वराहा टेम्पल है हरिहर क्षेत्र में, तो कई सारे टेम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स की दोस्तों। तो मॉन्यूमेंट्स में शेरशाह सूरी स्टूम इज़ इन सासाराम, शमशेर खान का मकबरा इज़ इन औरंगाबाद, द एंशियंट साइट ऑफ विक्रमशिला इज़ इन भागलपुर, रॉक टेम्पल्स आर फाउंड इन ईस्ट चंपारण, सॉरी इन भागलपुर, बुद्धिस्ट स्टूपा इज़ इन ईस्ट चंपारण, राजा विशाल का गढ़ इज़ इन वैशाली, देन थ्री रॉक इंस्क्रिप्शंस आर इन सासाराम, देन रिमेन्स ऑफ द पंचरुखी गढ़ लोकली नोन एज राजा बली का गढ़ वो है आपका इन बली राजगढ़ इन मधुबनी। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं एयरपोर्ट्स की दोस्तों। एयरपोर्ट्स में वी हैव लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट, विच इज़ नेम्ड आफ्टर लोकनायक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, जयप्रकाश नारायण, उनका नाम पे एयरपोर्ट है पटना में। देन वी हैव द दरभंगा एयरपोर्ट जो कि डिफेंस एयरपोर्ट है। फिर बात करें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो वी हैव भीम बंद सेंचुरी, राजगीर सेंचुरी, कैमूर सेंचुरी, गौतम बुद्ध सेंचुरी, उदयपुर सेंचुरी, कबार झील बर्ड सेंचुरी एंड गोगा बिल बर्ड सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट सेंचुरीज़ हैं जो कि हैं आपकी इन इन द स्टेट ऑफ बिहार। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।
फिर बात करते हैं पावर प्लांट्स की. वी हैव द बरौनी पावर प्लांट इन बेगूसराय, मुजफ्फरपुर इन मुजफ्फरपुर, कहलगांव इन कहलगांव भागलपुर. मेन सिटीज़ जिन पे गंगा रिवर जहाँ बहती है वो हैं पटना, हाजीपुर और भागलपुर. आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं फिर बात करते हैं बॉन्ड फेस्टिवल्स के. नीचे आ जाइए, वी हैव दीज फेस्टिवल्स, समा चकेवा, बिहुला, मधुर श्रवणी, पितृपक्ष मेला, छठ पूजा एंड सोनपुर फेयर. फिर कुछ प्लेसेस हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं. तो ये पूरा जो आप एक लिंक है इसको आप देख सकते हैं बैंकर सेटअप, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ऐसे कई सारे लिंक्स आपको BA पर मिल जाएंगे एंड उनको हम आगे बात करेंगे. अंशुमान जी, घर बैठे आपको शो मिल रहा है. हर शो में हम एक ना एक दिन स्टैटिक जीके करते हैं स्टेट का, तो अगर आप 30 डेज या 40 डेज भी शो को लगातार देख लेंगे तो आपको हर स्टेट को का स्टैटिक जीके मिल जाएगा और मज़ा आ जाएगा. द रीज़न वाई ओनली 10% ऑफ ऑनलाइन व्यूअर्स गेट सिलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन इज़ बिकॉज ओनली 10% आर कंटिन्यूअस. जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे आप हमारे व्यूअर हों, चाहे आप किसी भी YouTube चैनल के व्यूअर हों, प्लीज़ मेंटेन कंटिन्यूटी. अगर आप लगातार शोज़ को देखेंगे तो आपका अपने आप नॉलेज बढ़ेगा. तो वो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड बी कंटिन्यूस स्पेशली विद करंट अफेयर्स. अगर मैं नहीं भी आ पाता हूँ, खुद से पढ़िए, पर करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर पढ़िए, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा. आगे बढ़ें और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही है आपके सामने स्क्रीन पर एंड दिस इज़ द नेक्स्ट ऑफ द हेडलाइंस. AAAI शेल्व्स वाटर एरोड्रोम प्रोजेक्ट इन चिल्का लेक. AAAI का दोस्तों फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो उन्होंने एक कोशिश की थी, दे वर टू बेसिकली सेट अप अ वाटर एरोड्रोम प्रोजेक्ट चिल्का लेक में, तो उसको उन्होंने अब शेल्व कर दिया है. शेल्व मतलब उसको उन्होंने हटा दिया है, उस प्रोजेक्ट को वो अब स्टार्ट चिल्का लेक पे नहीं करेंगे. ठीक है, तो AAAI शेल्स वाटर एरोड्रोम प्रोजेक्ट इन द चिल्का लेक. मैं इसके लिए आपके लिए पढ़ भी देता हूँ आपको, द फर्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है. द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ AAAI हैज़ ड्रॉप्ड द प्रपोज्ड वाटर एरोड्रोम प्रोजेक्ट इन चिल्का लेक इन उड़ीसा अकॉर्डिंग टू अ सीनियर ऑफिशियल. एक सवाल आपका आएगा कि सर ये एरोड्रोम क्या होता है. वेल, एयरोड्रोम इज़ बेसिकली लाइक अ सी एयरपोर्ट. ये एक छोटा सा आपका एक एरिया बनेगा जहाँ पर लैंडिंग पॉसिबल थी. तो वो जो अब आपका एक सी प्लेन है, एक सी प्लेन एयरपोर्ट जो है वो अब आपका चिल्का लेक पे नहीं बनेगा एज पर सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आइए दिखाते हैं चिल्का लेक के बारे में, ऑल्सो अबाउट दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड द प्रपोज्ड वाटर एरोड्रोम प्रोजेक्ट एट चिल्का लेक इन उड़ीसा. AAAI हैज़ कैंसल्ड द सी प्लेन प्रोजेक्ट इन द लेक विच इफ इम्प्लीमेंटेड वुड हैव नेगेटिवली अफेक्टेड द लेक. ये लेक है जो काफ़ी फेमस है बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम, बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. बड़ी मात्रा में मछलियाँ और कई प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर रहती हैं इस लेक के अंदर. दुनिया का ये सेकेंड सबसे बड़ा कोस्ट लगून है, इंडिया का ये सबसे बड़ा लगून है. तो इस पे अब आपका सी प्लेन या फिर एरोड्रोम आपका नहीं बनेगा. दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँगा और करना चाहूँगा कुछ देर के लिए चिल्का लेक के बारे में. चिल्का लेक इज़ बेसिकली अ ब्रैकिश वाटर लगून. क्या है ये आपका? इट इज़ बेसिकली अ ब्रैकिश वाटर लगून. नाउ व्हाट इज़ ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश वाटर इज़ अ वाटर दैट हैज़ मोर सॉल्ट देन फ्रेश वाटर बट नॉट एज मच एज सी वाटर. तो ऐसा पानी जहाँ पर जो सॉल्ट कॉन्टेंट है वो नॉर्मल रिवर वाटर से या नॉर्मल पीने के पानी से ज़्यादा होता है, पर सी वाटर से उसका सॉल्ट कंटेंट कम होता है. सिमिलरली व्हाट इज़ अ लगून? अ लगून इज़ अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ बैरियर आइलैंड और अ रीफ. मतलब ये दो जलाशय हैं, दीज आर टू रिवर फ्रंट्स, दे आर टू वाटर फ्रंट्स. वन इज कैन बी अ सी, वन कैन बी एन ओशियन, द अदर वन इज अ लगून. उनके बीच में आपका एक एरिया है, एक स्मॉल आइलैंड है. तो जो स्मॉलर वाटर फील्ड है इसे हम लगून कह सकते हैं. सो ब्रैकिश वाटर होता है आपका वाटर हैविंग हायर सॉल्ट कंटेंट देन फ्रेश वाटर, एंड लगून इज बेसिकली अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय बैरियर आइलैंड्स और रीफ्स. ठीक है, तो ये इस लेक के बारे में हमने यहाँ पर आपको बता दिए. ये रहा इसका हिंदी में. बाकी अंबुज जी आप पूछ रहे हैं सर लास्ट में, ओके PDF इसका ऑलरेडी मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों
ऑलरेडी इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार ज़रा आप नीचे जाओगे इस टाइटल के नीचे तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ जो लिंक है बिहार स्टैटिक जीके का वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक सवाल आ रहा है फ्रॉम आशा रानी, सर व्हाट वाज सी प्लेन प्रोजेक्ट? सी प्लेन मतलब सी एरोपैड, मतलब वहाँ पर एयरपोर्ट वाला काम होगा कि एक लैंडिंग एरिया बनता जहाँ पर कि रुक सकता था आपका, लैंड कर सकता था आपका एक एरोप्लेन। देखिए इसका हिंदी मैंने आपको दे दिया, तो इसका हिंदी भी आप सब पढ़ लीजिएगा। क्लियर हो गया है प्लीज़ एक बार लिख दीजिएगा, मज़ा आ गया, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ अपने अगले हेडलाइन पर। चलिए ले चलते हैं आपको हमारे अगले सुर्खी पर। इंडियाज फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग शिप इज़ रेडीइंग फॉर सी ट्रायल्स। भारत की ऐसी एक ऐसी शिप जो कि मिसाइल ट्रैक कर सकती है वो अब सी ट्रायल्स के लिए, अपने पहले सी परीक्षण के लिए रेडी होने वाली है। नाउ दिस पर्टिकुलर शिप विच इज़ कॉल्ड एज, जिसका अभी कोई 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 खास नाम नहीं है, उसको अभी कहा गया है VC 111, मेरे को हटा दो, VC 111 84। दिस पर्टिकुलर शिप हैज़ बीन बिल्ड बाय द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो इस मिसाइल शिप को रेडी किया जा रहा है सी ट्रायल्स के लिए, और ये शिप को बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। इस शिप का नाम है VC 111 84, एंड दिस शिप विल बी द फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग शिप, एंड इट विल बी ट्राइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसका सी ट्रायल किया जाएगा। दैट इज़ पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू की बात करें, जो इसका कील है, अब देखिए एक टेक्निकल वर्ड आ गया, वर्ड क्या आया आपका, वर्ड आया कील। जो इसका कील है, द कील ऑफ द शिप वॉज लेड डाउन इन 2014, और तब से लेकर अब तक इसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ द NTRC, अगेन रिपीट गाइस, जो कील ऑफ द शिप है उसको बनाया गया था 2014 में, तब से लेकर अब तक इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड बिल्ट बाय द NTRO दैट इज़ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो वो इसको तब से काम करा रहा है। अब एक सवाल यहाँ बनेगा कि सर वॉट इज़ कील, ये कील बेसिकली क्या होता है? तो आइए आपको मैं वो इमेज दिखा दूँ कील का। ये रहा दोस्तों इमेज, ये एक शिप का इमेज है जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वन सेकेंड, देखिए यहाँ पर ये रहा कील। कील जो इसका लोएस्ट सेक्शन होता है इसे हम दोस्तों कील कहते हैं। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस मैप, इस शिप के एक स्ट्रक्चरिंग में, वो एक बार देख लीजिएगा कि मेन मास्ट क्या होता है, फोर मास्ट क्या होता है। ये उनके लिए जिनको कीड़ा है करंट अफेयर्स मास्टर करने का, जिनको कीड़ा नहीं है, जिनको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है वो ये ना पढ़ें। पर कील मैंने बता दिया, कील आपका जो लोअर हाफ होता है एक शिप का उसे हम कील यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं उसी हेडलाइन पर, ये रहा आपके सामने। सो दिस पर्टिकुलर शिप, दिस पर्टिकुलर मिसाइल ट्रैकिंग शिप हैज़ बीन मेड बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसका अभी ऑफिशियल नाम है VC 111 84। इसको डिज़ाइन किया गया है बाय, इट इज़ बीइंग बिल्ट, जो इसका कील था उसको बनाया गया था बाय NTRO, और अब इसका पूरा काम देख रहा है आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। इसका ये रहा इंग्लिश में पहले हिंदू शॉर्ट्स, द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज़ गियरिंग अप टू अंडरटेक सी ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग शिप बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इसका कील ऑलरेडी बन चुका है जिसे NTRO ने बनाया था। इसका जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, दैट कॉस्ट इज अराउंड 750 करोड़, 700 करोड़ उसका कॉस्ट है। उसका नाम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओशन सर्विलेंस शिप। भारत की ये पहली अपनी तरह की एक ओशन सर्विलेंस शिप होगा। और अगर हम बात करें HSL की, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो ये आपका फाउंड हुआ इन 1941, और इसके हेडक्वार्टर्ड हैं विशाखापत्तनम में, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है LV शरत बाबू, वो इसके यहाँ पर हेड भी हैं। तो दोस्तों अगर क्लियर हो अगर क्लियर हो गया है प्लीज़ ज़रा लिख दीजिए कमेंट्स में, येस सर येस सर इट इज़ ऑल क्लियर। बिल्कुल शिप का साइन डिज़ाइन देख के हमें जैक स्पैरो की याद आ गई फ्रॉम द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इसी शिप के बारे में। ये रहा आपके सामने, द शिप विल बी इक्विप्ड विथ मॉडर्न इंटेलिजेंस नेटवर्क, नंबर वन। नंबर टू, इट विल बी प्रोपेल्ड, इसका जो इंजन होगा इट विल बी 9000 किलोवाट
14 megawatt power is needed to activate the tracking radars, or the ship will move at an average speed of 21 knots की स्पीड पर ये आपका मूव यहाँ पर करेगा. तो एक बार ज़रा कमेंट्स में लिखते रहिएगा, मज़ा आ गया, लिखते रहिएगा येस सर येस सर. वापस ज़रा स्क्रीन पे आते हैं. जो लोग पूछ रहे हैं सर RRB का कैप्सूल कब आएगा, तो आज शाम तक या कल सुबह तक आपको कैप्सूल मिल जाएगा. और जैसे ही कैप्सूल मिलेगा वैसे ही डिस्कशन मेरा शुरू हो जाएगा. आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द कैप्सूल इन डिटेल. ठीक है, तो बाकी लोग प्लीज़ परेशान आप लोग मत होइएगा. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली सुर्खी पर, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर. आर्मी मलिंग इंक्रीजिंग रिटायरमेंट एज ऑफ जवान्स. द इंडियन आर्मी इज थिंकिंग. देखिए यहाँ पर मली मतलब मलना नहीं होता है मेरे भाई बांगड़ू, मली मतलब मलना नहीं होता है, मली मतलब होता है इज थिंकिंग, इज कॉम्प्रिहेंडिंग, इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जवान्स. तो देखिए इसका पहला ही पैराग्राफ आपको क्लियर कर देगा इसको. द आर्मी इज कंसिडरिंग proposal to increase the retirement age and pensionable age of jawans in service from the current 15 years to 20 years in a phased manner. Now this will have a major impact on the other ranks, which basically constitute most of the rank and files of the 1.3 million army. Jo jawans hain, jo lance nayak hai, dekhiye diya bhi hua hai, jawan ki baat kare ya lance nayak ki baat kare, to in logo ki jo retirement age hai, jo ek age hai inka work karne ka 15 saal ka hai, par usko wo 20 saal तक करने की बात यहां पर कर रहे हैं. एंड दे विल हैव एन एक्सटेंशन ऑफ पेंशनेबल सर्विस ऑफ 2 more years. तो ये एक कहा है आर्मी ने कि वो सोच रहा है कि जो एक रिटायरमेंट एज है उसको 15 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिए. रितु शर्मा UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है. मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप ढंग से शो देखोगे तो आपको हर एग्जाम का लेवल मिलेगा, बिकॉज हम हर तरह की खबर को इंक्लूड करते हैं जो UPSC में आती है या किसी भी छोटे एग्जाम में आती है. ठीक है, तो आइए दिखाते हैं आपको. ये है एज इसका, देखिए ये रहा हिंदी का सेक्शन. सेना मौजूदा 15 वर्षों से 20 वर्षों का तक सेवा में जवानों की रिटायरमेंट और पेंशन क्यों करने वाली है, और इसके लिए जो मैक्सिमम आपके हैं वो जवान्स रहेंगे और लांस नायक रहेंगे वो इसके अंदर आएंगे, उसके लिए उन्होंने इस कदम को यहाँ पर उठाया है. अब ये एम्प्लॉयमेंट के लिए सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि जो एक एज है वो अब 15 से 20 साल तक हो जाएगी फॉर द जवान्स एंड ऑल्सो फॉर द लांस नायक. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही आपके सामने. आंगनवाड़ी वर्कर्स टू बी पेड मोर. आंगनवाड़ी सेंटर्स विच आर सेंटर्स फॉर मदर केयर एंड ऑल्सो फॉर स्मॉल इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, वो सेंटर्स जो हैं उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह या उनका जो एक ऑनररी सैलरी है वो सैलरी अब बढ़ा दिया जाएगा. ठीक है, तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन द रेम्यूनरेशन फॉर अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स. आशा वर्कर्स के लिए और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मोदी सरकार ने कहा है कि जो उनकी तनख्वाह है या उनका जो एक मेहनताना है उसको उन्होंने बढ़ाने की बात की है. दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख भी पाएंगे कि फॉर द आंगनवाड़ी वर्कर्स आंगनवाड़ी वर्कर्स इट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 3,000 to 4,500. और जहाँ पर मिनी आंगनवाड़ी, यहाँ पर छोटे सेंटर्स हैं, वहाँ पर अब आपकी 3,500 इनकम, 3,500 वहाँ पर पैसा कर दिया गया है. तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ उनको मिलेगा डिफरेंट, उनको मिलेगा इंक्रीज पैकेज, बल्कि उनको जो एक इंश्योरेंस कवर है, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हो या फिर सुरक्षा बीमा योजना का हो, ये दोनों कवर्स उनको यहाँ पर मिलेंगे. दिस हेडलाइन इज़ ऑन पेज नंबर 11. ये 11 पेज पर हेडलाइन है. ठीक है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को और पैसा मिलेगा, ऐसा यहाँ पर प्रधानमंत्री कैबिनेट ने यहाँ पर कहा है. आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको इसी का हिंदी में, इसी का इंग्लिश में. ये रहा आपका इंग्लिश एंड ये रहा इसका दोस्तों हिंदी, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पर. 12 स्पेशल कोर्ट्स टू बी सेटअप टू ट्राई MPs एंड MLAs.
12 स्पेशल कोर्ट्स आपके बनाए जाएंगे जिनमें ट्रायल होगा एमपीज और एमएलए केसेस का। जितने भी एमपीज हैं या एमएलएज हैं जिनके खिलाफ कई सारे आरोप हैं उनके खिलाफ एक ट्रायल चलेगा। दैट ट्रायल विल टेक प्लेस इन सेपरेट कोर्ट्स। सो द सेंटर ऑन ट्यूजडे हैज इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट कि 12 स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन सेटअप अक्रॉस 11 स्टेट्स एक्सक्लूसिवली टू ट्राई सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज। तो ये खबर कितनी ज़्यादा अच्छी या ख़राब है मुझे नहीं पता, पर इतनी खबर है कि 12 स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं फॉर एमपीज एंड एमएलएज, जिनमें अगर मैं मेंशन करूं और डिवाइड करूं कि कहां कहां और कितने आपके ये कोर्ट्स हैं। दो कोर्ट बने हैं दिल्ली में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, यहां पर एक है, और 6 आपके इनमें से सेशंस कोर्ट हैं और 5 आपके मजिस्ट्रियल कोर्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ज़रा मेरे को हटा दो क्योंकि कट रहा है यहाँ पर। तो दिल्ली में 2 कोर्ट्स, आंध्रा से लेकर मध्य प्रदेश में 1 कोर्ट, और इनमें से टोटल 12 में से 6 आपके जो हैं सेशंस कोर्ट हैं और 5 आपके जो हैं वो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं। ओके, और तमिलनाडु में कोर्ट कैसा होगा वो अभी बताया नहीं गया है। तो ओवरऑल आपके 12 कोर्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, इसमें एग्ज़ाम में आएगा कि 12 स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं बस, कुछ और इसमें एग्ज़ाम में नहीं आएगा। नाउ दिस इज़ अ गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऐसा करना ज़रूरी था ताकि जो कल्प्रिट हैं उन्हें जल्दी पनिशमेंट यहां पर आ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। बिम्स्टेक मिलिट्री समिट वॉज एन एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया। जो बिम्स्टेक का अभी एक समिट हुआ था, मिलिट्री समिट जिसको हम माइलेक्स के नाम से जाते हैं, दैट समिट इज़ एन एम्बैरेसमेंट टू इंडिया बिकॉज जो इंडियन जो समिट के 2 मेंबर्स थे, नंबर 1 नेपाल, नंबर 2 थाईलैंड, ये दोनों के देशों ने अपने गेस्ट को भेजा, इन्होंने अपनी आर्मी को यहाँ पर नहीं भेजा। ठीक है, तो इसको ज़रा एक बार दिखा दें, इसका ये रहा इसका हिंदी। बिम्स्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज माइलेक्स 18 वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ मिलिट्री फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर द बिम्स्टेक नेशंस। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखिए दिया हुआ है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपका स्टार्ट हुआ था औंध पुणे में, औंध में ये आपका दोस्तों स्टार्ट हुआ था, और इसका एम था टू बेसिकली प्रैक्टिस द बिम्स्टेक नेशंस इन प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ काउंटररिस्ट ऑपरेशन, उसके लिए ये हुआ था। और इसमें नेपाल ने एन मौके पर धोखा दिया, नेपाल ने इसका हिस्सा वो नहीं बना। नेपाल एंड चाइना विल हैव देयर सेकेंड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीक जिसका नाम है सागरमाथा 2। तो सागरमाथा 2 में वो दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक ये जोरदार कंटाप है टू द इंडियन नेशन बिकॉज नेपाल हैज़ सिंस एजेस, सिंस इन्फिनिटी हैज़ बीन एन एबल अलाय, अ ट्रस्टेड लॉयल अलाय ऑफ इंडिया, पर अब वो चाइना की ओर अग्रसर है। और क्योंकि उसने इसको डंप करके उसने सागरमाथा 2 जो एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडियन बिटवीन द नेपाल एंड द चाइनीज आर्मी, उसमें उसने यहाँ पर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि वी हैव अ न्यू जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी, नेपाल आर्मी के नए जनरल भी हैं, उनका नाम आप गूगल कर लीजिएगा बिकॉज वो एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूला बोज आउट ऑफ ब्राज़ील प्रेसिडेंशियल रेस। ये खबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर सवाल आ सकता है बिकॉज जो आपके सामने व्यक्ति है ही गाइज इज़ अ वेरी फेमस इंडिविजुअल, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। ही वॉज द फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट, का नाम है लुई इनासियो लूला दा सिल्वा, एंड वो अब रन नहीं करेंगे प्रेसिडेंशियल रेस में। एंड ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है फ्रॉम द ब्राज़ीलियन पॉलिटिकल सर्कल। तो याद रखिएगा इनका नाम, का नाम है लुई इनासियो लूला दा सिल्वा, ही वॉज द फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट, एंड ये अब प्रेसिडेंशियल रेस में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और आपको नहीं पढ़ना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रहा आपके सामने। अब फ्रांसेस्का शिवोन रिटायर्स, वेल ये पुरानी खबर थी, जो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट खबर ये रही, इथियोपिया एंड इरीट्रिया। दोस्तों दो कंट्रीज़ हैं आपकी, इथियोपिया एंड इरीट्रिया, ये रीओपन होंगी, ये अपने बॉर्डर को रीओपन करेंगी 20 साल के बाद। ये दो नेशंस हैं और 20 साल पहले दे वर हैविंग बॉर्डर जो कि सीज फायर जो कि क्लोज हो गए थे, और अब जो आपका ये है
ये जो आपके हैं इन्होंने अपने बॉर्डर्स को जो है वो इन्होंने ओपन करने की यहाँ पर बात कही है, ठीक है। और अगर मैं इसका आपको मैप दिखा पाऊँ, इसका मैप जल्दी से मैं आपको वो लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आपको वो लिंक दिख जाए, वन सेकेंड। हाँ तो ये जो लिंक है आपका, वन मिनट, तो इसका लिंक मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ अपनी टेक टीम से, वो लिंक आपको दिखा देंगे बिकॉज ये लिंक अगेन इंपॉर्टेंट है, वन सेकेंड। तो ये जो आपका लिंक है, ये जो आपका एक बॉर्डर है, ये कंटेंशन इशू बना हुआ है और इसका मैं लिंक मेल कर दिया मैंने। हाँ तो इट हैज़ बिन मेल्ड, ओके। सो इरिथ्रिया एंड इथियोपिया दे हैव रीओपन्ड देयर क्रॉसिंग पॉइंट्स ऑन द शेयर्ड बॉर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स, 20 सालों में पहली बार ये आपका हुआ है, ठीक है। और ये अच्छी बात है बिकॉज अब आराम से एक ट्रैवल हो पाएगा इरिथ्रिया एंड इथियोपिया के बीच, एंड विच इज़ अ समथिंग टू बी चेरिस्ड एंड ऑल्सो ओवरजॉयड। देखिए ये रहा आपके सामने मैप जो बॉर्डर का है, बहुत ही तेज़ हमारी टेक टीम है दोस्तों, आप देख सकते हैं इरिथ्रिया और इथियोपिया का एक बॉर्डर है, दोनों ही लैंड लॉक्ड है, बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई वाटर फ्रंट रहा हो। तो ये जो आपका सेक्शन है, और ज़रा स्क्रीन पर आपके आ भी गया है, इस सेक्शन में इसको ओपन यहाँ पर किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें इरिथ्रिया की, इरिथ्रिया का जो कैपिटल है उसका नाम है अस्मारा, अलगेनपीड, अस्मारा को मार्क करने दिया होगा स्टार के साथ, अस्मारा, ASMARA। सिमिलरली इसके जो करेंसी है उसका वो है आपकी नाक्फा, नाक्फा इसकी करेंसी है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम जूम ही कर दें। तो अस्मारा इसकी आपकी दैट इज़ द कैपिटल, एंड नक्फा NAKFA जो है वो आपका इसका जो है दैट इज़ दी करेंसी ऑफ इरिथ्रिया। अब बात करें इथियोपिया की दोस्तों, तो इथियोपिया अगेन नेबर है इसका सबसे पहले, एंड सेकंड इथियोपिया की जो कैपिटल है उसका नाम है आदिस अबाबा, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इथियोपिया, नंबर वन। एंड नंबर टू उसकी जो करेंसी है वो है आपकी बिर। तो ज़रा वापस स्क्रीन पे आ जाए, तो मैंने आपको मैप दिखा दिया है। तो इरिथ्रिया का आपका जो कैपिटल है वो अस्मारा है, एंड जो करेंसी है वो है नाक्फा है, NAKFA, ठीक है। और इथियोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा, एंड उसका जो करेंसी है वो है आपका बी। तो इन्होंने अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर मज़ा आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने, गवर्नमेंट नोटिफाइज रूल्स फॉर शेयर्स इशू। शेयर्स इशू के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं नए रूल्स। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये डिस्कस पहले भी किया हुआ है, इसलिए इसको आगे बहुत डिस्कस नहीं करूँगा। देखिए दिया भी हुआ है कि एनी कंपनी विच इज़ अनलिस्टेड दे हैव टू इशू फर्दर शेयर्स और ट्रांसफर शेयर्स इन ओनली इन डीमैट फॉर्म फ्रॉम अक्टूबर 2। मेरे को हटा दो स्क्रीन से। तो जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अनलिस्टेड हैं, अब सवाल ये बनेगा सर व्हाट इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी एंड व्हाट इज़ अ लिस्टेड कंपनी। एनी कंपनी विच इज़ लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, इट कैन बी BSE, इट कैन बी NSE, सच अ कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। और ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है उसे हम अनलिस्टेड कंपनी कहेंगे, ठीक है। तो एनी कंपनी विच इज़ लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज दैट विल बी कॉल्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। और ऐसी कोई भी कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, जो कि किसी एक्सचेंज लिस्ट नहीं हुई है, वो आपकी जो होगी दैट कंपनी विल बी एन अनलिस्टेड कंपनी। तो जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है, अगर उन्हें अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है या उन शेयर्स को इशू करना है, तो देन दे हैव टू इशू इट इन डीमैट फॉर्म, उसे उन्हें डीमैट फॉर्म में इशू करना होगा। डीमैट फॉर्म मतलब इन ऑनलाइन फॉर्म, उसे आप ऑफलाइन फॉर्म में नहीं, ऑनलाइन फॉर्म में उसे आप इशू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, गूगल्स नेबरली ऐप इज इन 5 मोर सिटीज, दिस पर्टिकुलर ऐप हेल्प यूजर्स फाइंड आंसर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सच एज शॉपिंग, फिटनेस, देन वी हैव ट्यूशन, इन सब में ये ऐप जो है, ये ऐप अब 4 और शहरों में आपकी आ गई है। तो देखिए दिया भी हुआ है
कि पीपल इन अहमदाबाद, कोयम्बटूर, मैसूर, वाइजाग एंड कोटा, वहाँ पर ये ऐप आपकी आ गई है। इससे पहले इसे मुंबई और जयपुर में लॉन्च किया गया था और ये अभी ऐप 5 और शहरों में आपकी आ गई है। तो बहुत ही सिंपल सी खबर है दोस्तों कि गूगल हैज़ लॉन्च्ड 5 हिज इट्स नेबरली ऐप, जिससे कि अगल बगल क्या क्या आपका चल रहा है शॉपिंग में, इन सब में, वो सब आपको इस ऐप पर दिख जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ और यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुदगल हेड्स द अवार्ड्स पैनल। मुकुल मुदगल, हु वॉज द हेड ऑफ द कमिटी टू लुक इन टू द IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, उन्हें बनाया गया है द न्यू चेयरमैन ऑफ द 11 मेंबर कमिटी ऑफ टू पिक दिस ईयर्स द्रोणाचार्य एंड ध्यानचंद अवार्डीज। जो कोचिंग अवार्ड्स हैं आपके, या फिर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है कोचिंग का, उन अवार्ड को जो कमिटी बनी है, जो अवार्ड उस कम जो जो सेट करेगी कि कौन अवार्ड देगा, उस कमिटी के जो अध्यक्ष हैं उनका दोस्तों नाम है मुकुल मुदगल। सो जस्टिस मुकुल मुदगल विल हेड दिस पर्टिकुलर 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग कमिटी, एंड इस कमिटी का रोल होगा टू पिक द विनर्स, टू पिक द अवार्डीज फॉर द द्रोणाचार्य एंड द ध्यानचंद अवार्ड। ये दोनों ही अवार्ड कोचिंग के लिए दिए जाते हैं, एक अवार्ड है फॉर कोचिंग एंड द अदर अवार्ड इज़ फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दोनों अवार्ड यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इस कमिटी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मुकुल मुदगल। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव लेक्लेरिक। ही इज़ अ यंग ड्राइवर और इन्होंने रिप्लेस किया है किमी रायकनन को। यंग ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेरिक विल रिप्लेस किमी रायकनन एट फरारी नेक्स्ट ईयर, एंड किमी रायकनन विल रिटर्न टू सॉबर, एंड जो चार्ल्स लेक्लेरिक हैं, ही विल बी अ पार्ट ऑफ द फरारी फॉर्मूला 1 टीम। तो बहुत ही सिंपल सी खबर थी कि इन्होंने ये इस टीम के मेंबर अब बन गए हैं। टीम का नाम क्या है? फरारी इस टीम का नाम है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का एंड, ये रहा हमारा लास्ट डिस्कशन। एवरी टाइम यू फाइंड सम ह्यूमर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू विन। जब कभी आप कोई समय पाते हैं ह्यूमर का मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में, तो आप जीत रहे हैं। तो अगर आप पे संकट है फिर भी आप खुश हैं, तो आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप कुछ नया कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं अब आपसे कल सुबह 8 बजे, एंड कीप ऑन वॉचिंग आर 247, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग आर YouTube चैनल। वी वॉन्ट इट टू बिकम द बेस्ट चैनल एवर। थैंक यू सो मच गाइज, एंड अगला जो सेशन हमारा है वो है विशाल सर का। He will take the editorial as always sessions में। आइए आज देखेंगे, जानेंगे कि हम कौन कौन से editorials हैं जो कि आज important हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको जाना चाहिए, ना सिर्फ आप as a student बल्कि अगर आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं तो भी आपको जाना चाहिए क्या क्या एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ ज़रा हम दिखा दें एक बार हमारा शेड्यूल का एक बैनर। दोस्तों शेड्यूल हमारा चल रहा है पिछले तीन दिन से। दैट शेड्यूल विल फोकस ऑन द एंटायर डे, मंडे से फ्राइडे तक क्या क्या चीज़ें हैं उसको वो शेड्यूल देगा। तो अगर शेड्यूल हमारे पास है तो उसको हम दिखा दें, बिकॉज दैट शेड्यूल विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कब कब कौन कौन सा एग्ज़ाम आपका होगा, जो कि कौन कौन सा एग्ज़ाम का शो आपका होगा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसका शेड्यूल मिल गया है तो दिखा दें, मिल जाएगा। हाँ, ये रहा आपके सामने शेड्यूल दोस्तों। तो प्लीज़ शेड्यूल को देख लीजिएगा एक बार, शेड्यूल अगेन फॉलो करने के लिए है। जो लोग कहते थे सर आप लोग कुछ भी पढ़ाते हो, तो ये एक शेड्यूल फिक्स है जिस शेड्यूल को आप लगातार किया जाएगा। बैंक के लिए शोज़ अलग से हैं, SSC के लिए अलग से हैं, रेलवेज़ के लिए अलग से हैं, सीटेट के लिए अलग से हैं, और स्टेट GK के लिए भी अलग से शो यहाँ पर किए गए हैं। तो चलिए वापस स्क्रीन पर आते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विद अस। मिलते हैं अब आपसे कल सुबह 8 बजे। बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइज। Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. Aur mazey ki baat dosto ye hai ki ye show ab Hindi mein bhi aayega.